बंदियों के नैतिक, चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम चलाएं जिससे कि बंदियों को लाभ हो, उनके अंदर एक परिमार्जन आए, उनके अंदर सकारात्मकता का संचार हो। बड़ा ही अच्छा माहौल जेल के अंदर मुझे देखने को मिला है। सारे कैदियों की टीम बनाकर, कोई क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, बैडमिंटन टीम, रस्साकसी टीम, हर तरह की टीम बनाकर उनके अंदर खेल भावना पैदा किया जा रहा है और खेल के माध्यम से उनके अंदर कैसे सुधार लाया जा सकता है और वो यहाँ से छूटने के बाद समाज के एक अच्छा सदस्य बन सके, इस कंसेप्ट पे काम हो रहा है। जो एक परिकल्पना है कि जेल सिर्फ यातना गृह ना रहे बल्कि सुधार गृह के रूप में काम करे, उस कंसेप्ट पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जेल के अधिकारीगण काम कर रहे हैं और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने इसकी सराहना की है और जिला प्रशासन ऐसे सुंदर कार्य में जिला कारागार की जो अधिकारियों की टीम है उनको जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी वो सारी मदद हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हमने कैदी जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी किया है, उन्हें कोई समस्या अगर है उसके बारे में भी पूछताछ की गई है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या न्यायालय में पैरवी संबंधी समस्या हो, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने पूछताछ की है। सारी चीज़ें अच्छी हालत में देखने को मिली। कितने मासूम बच्चे